आ चुके हैं भागीरथी सेतु में। आप देख रहे हैं पूरे घाट हाउसफुल है, इधर की बात कहें या फिर इधर की बात कहें या ब्रिज की बात कहें, पूरे घाट हाउसफुल हो रखा है। आप देख रहे हैं गंगा जी की धारा कितनी तेज हो चुकी है और इसमें काफी ज्यादा रेत मिट्टी आज दिखाई दे रहा है। चलते हैं नीचे और लॉकर की सुविधा भी यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप लॉकर लेना चाहते हैं तो। हाय दोस्तों, हर हर गंगे नमामि गंगे। अभी आप ये दृश्य देख रहे हैं सुबह के 8:10 का। अभी हमें ऋषिकेश बाईपास वाले मार्ग से जब आप हरकी पैड़ी जाएंगे इसी मार्ग से होकर जाएंगे। देख रहे हैं श्रद्धालु की संख्या, कल हमको ज्यादा ही जल्दी आ गए थे जिसकी वजह से श्रद्धालु की संख्या नहीं दिखी, लेकिन जो भीड़ थी कल की वो भी काफी ज्यादा थी। करीबन 8 के बाद, जैसे कि आज हम 8 आए तो 8 के बाद ही श्रद्धालुओं की संख्या हर की पैड़ी में देखने को मिलता है। ये आप देख रहे हैं गंगा जी की धारा कितनी तेज है, श्रद्धालु की संख्या कितनी ज़्यादा है। ये तो प्रमुख घाट है ही नहीं, प्रमुख घाट चलेंगे, प्रमुख घाट में और भी काफ़ी ज़्यादा आज रात देखने को मिलेगा। आप अगर हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अब जो है वो एक पक्ष आज से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो पक्ष चालू हो गया है वह अभी हम बताएं कौन सा पक्ष चल रहा है। आप कमेंट जरूर करें, ऐसे हम आप वीडियो के अंत तक बता देंगे कि कौन सा पक्ष शुरू हो चुका है और इस पक्ष में श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। और आप देख रहे हैं गंगा जी आज काफ़ी ज़्यादा रेत मिट्टी देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतमैली है माँ गंगा भी। आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं, ये आप जो दृश्य देख रहे हैं ये है सुभाष घाट का। देख रहे हैं कितनी ज्यादा रश है यहाँ पे, काफी ज्यादा श्रद्धालु है। वो है मोती बाजार जाने का मार्ग और हम जा रहे हैं हरकी पैड़ी। हरकी पैड़ी देख रहे हैं ये पैड़ा रिक्शा हरकी पैड़ी तक आपको ड्रॉप करेंगे, ये मोती बाजार से होके आएंगे। जल की धारा पूरी तरह से आ चुकी है, देख रहे हैं आप, और जल में काफी ज्यादा रेत मिट्टी है। देख रहे हैं सुभाष घाट में श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज्यादा है। यहाँ पे आपको काफी सारे होटल धर्मशाला मिल जाएंगे, देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु है। अभी हरकी पैड़ी नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे इससे 4 से 5 गुना श्रद्धालु एक साथ दिखाई देंगे। अभी चलते हैं, ये केवल 12:00 तक रस रहेगा और गंगा आरती के समय काफी ज्यादा रस होने वाला है। हमने वीडियो बना रखी है गंगा आरती के समय की, वो वीडियो जरूर देखे, काफी ज्यादा
भीड़ आज है। यहाँ पे ये निशुल्क मेडिकल दवाई की सेवा यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लॉकर मिल जाएगा, यहाँ पे सामान रख के आप आराम से घूम सकते हैं। ये घाट पे ही है, ये है भाई नई घाट। अब जो भीड़ होगा देखने को मिलेगा वो इसी घाट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, नई घाट, उषा घाट, इसी घाटों में सबसे ज्यादा भीड़ आप देखने को मिलने वाला है। ये छोटी बार रेस्टोरेंट और आप देख रहे हैं नई घाट का दृश्य। अब हम जा रहे हैं भागीरथी सेतु की ओर और आपको दृश्य दिखाएंगे। ये हमारे में और गंगा घाटों का दृश्य और भी आपको दिखाते हैं। अगर आप हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, ऋषिकेश की प्लानिंग कर सकते हैं, चार धाम की भी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि बारिश भी अब नहीं हो रहा है। तो ये है अपडेट आज की। और सुबह सुबह ही आप देख रहे हैं धूप निकल चुका है, तो मौसम के लिए किसी बारे को दिक्कत नहीं है और न ही आपको यहाँ पे और किसी बारे को दिक्कत होगी। हाँ, जब भीड़ होती है तो आपको बस एक चीज़ का दिक्कत हो सकता है, रूम के लिए, जो कि हल्की पैड़ी के पास ही होगा दिक्कत। बाकी यहाँ पे रूम इतने सारे हैं कि आपको रूम की कमी नहीं होगी कभी भी। थोड़ा से हर आराम से आप फैमिली के साथ पैदल आ सकते हैं और ई रिक्शे की भी सेवा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, किसी बारे को दिक्कत नहीं होगी। ऐसे हमने काफ़ी सारा वीडियो बना रखा है होटल धर्मशाला का, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसमें नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर में आप कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं। अभी 8:30 हो गया, आधे घंटा हमें वहाँ से लगा आते आते, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग आते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर टाइम आपको दिखे तो 25 हुआ है, 8:25 और हमारी स्टार्ट हुआ था यात्रा 8:00। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे, नमामि गंगे।